हेलो दोस्तों, लेकर आ गए हैं आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें मैथ का क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, इस मैथ का क्वेश्चन पेपर हम एमएस वर्ड के अंदर कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। दोस्तों, अगर आप जीरो लेवल से लेकर अगर कम्प्लीट कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट के तरह इस चैनल पर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक वीडियो डाल दे रहता हूँ। अगर आप कंप्यूटर में कुछ नहीं जानते हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों बता दें कि कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले हमें पेज का साइज चूज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे पेज लेआउट पे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पेज लेआउट दिया हुआ है। जैसे ही पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों इस साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपको पेपर लेना है वो पेपर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम ले लेते हैं A4 साइज का पेपर। तो यहाँ पे हम A4 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों हमें मार्जिन सेट करना। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, इस मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो मार्जिन लेना चाहते हैं वो मार्जिन ले सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से नैरो मार्जिन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला काम पेज सेटअप का हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमें किसी कोचिंग या कॉलेज का नाम लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम नाम लिखेंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम नाम लिख चुके हैं। उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे होम पेज में। देखिए दोस्तों, होम पेज में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे केस दिया हुआ है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे चेंज केस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपर केस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपर केस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितने भी लेटर हैं वो सारे कैपिटल में हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइज बढ़ाने का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसे बड़ा करेंगे और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन को थोड़ा सा ऐसे हम बढ़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे जाएंगे इधर और इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं फॉन्ट का। तो मैं इसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ पे फॉन्ट में और यहाँ से हम कोई एक ऐसा फॉन्ट ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये फॉन्ट ले लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, देखेंगे हमारा कुछ इस टाइप का हो चुका है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट में हम सेंटर कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसका फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा हम फॉन्ट ये ले लेते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम एड्रेस लिख चुके हैं और इसे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे यहाँ से बड़ा करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों क्या करते हैं, हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, TH लिखेंगे। और दोस्तों इस TH को क्या करेंगे ना, हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो देखेंगे जो हमारा TH है वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर इसे हम हटा लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं हम टर्म एग्ज़ाम। तो यहाँ पे टर्म एग्ज़ाम लिख लेते हैं और उसके बाद से क्या करेंगे, हम इतने टर्म एग्ज़ाम को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम पे टैब में और यहाँ से चेंज केस में जाएंगे और यहाँ से हम अपर केस पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे कुछ हमारा इस टाइप का बन चुका है। उसके बाद से ये दोस्तों इतने को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम फाइनली हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसे लेफ्ट में लाएंगे और उसके बाद से दोस्तों इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल कुछ अलग रहने देते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे सेमी कॉलम देंगे और यहाँ पे हम मैथ लिख लेंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करते हैं, ये बोल्ड का ऑप्शन है इसे हम हटा देते हैं और इसको पूरे को सेलेक्ट कर यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन को हटा देंगे। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ से टैब ऑप्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ तक आएंगे। देखिए दोस्तों,
और यहाँ पे हम लिख देंगे एफ एम 100, मतलब फुल मार्क्स 100 रहेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं एफ कॉमा एम और यहाँ पे 100 लिख देते हैं। उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लास लिख लेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलम देंगे और यहाँ पे हम क्लास 10th कर देते हैं। उसके बाद टैब बटन को दबाएंगे और यहाँ पे हम पीएम कर देंगे, मतलब पास मार्क। तो यहाँ पे पीएम डॉट पी डॉट एम और यहाँ से हम कर देते हैं 40। तो दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में और यहाँ पे जाएंगे शेप में और यहाँ से हम लाइनर ले लेंगे और ऐसे हम लाइन को ड्रैग कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे लाइन को ड्रैग करेंगे और थोड़ा इसका शेप का आउटलाइन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा मोड कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा मोड करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से इसका कलर कुछ ऐसा कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों इसी का एक डुप्लीकेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल को जैसे ही दबाएंगे तो आपका कुछ कर्सर इस टाइप का हो जाएगा और इसे जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे ना तो आपके पास एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और देखेंगे हमारा एक डुप्लीकेट बन चुका है और इसका जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पे शेप आउटलाइन का कलर यहाँ से कुछ अलग कर देते हैं और इसका मोटाई जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से इसका मोटाई थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा फाइनली इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों जो नाम लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, देखिए दोस्तों होम टैब में, और यहाँ से इसका कलर कुछ अलग कर देंगे। देखिए दोस्तों इसका कलर हम ऐसा ले लेते हैं और यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका कलर हम कुछ ऐसा कर देते हैं। तो दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बनाना है, जैसे मैथ का क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो इस वीडियो के अंदर हम मैथ में कैसे हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो बताने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर हमारा इंसर्ट टैब दिया हुआ है। देखिए दोस्तों हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे तो देखेंगे हमारा यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। दोस्तों इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों पहला हम यहाँ से जो भी लिखना है वो हम देखेंगे, यहाँ पे सारे टूल्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, जितने भी इक्वेशन है वो सारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। दोस्तों देखेंगे कि हमारे पास नया टैब ओपन हो चुका है, जो हमें लिखना है सिंपल उस पर क्लिक करना है, जो हमें लेना है सिंपल उस पर क्लिक कर हमें ले लेना है। दोस्तों ये होता है पहला तरीका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बनाने का। दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट करेंगे, जाएंगे हम इंसर्ट टैब के अंदर और देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए दोस्तों उसके बाद हम ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 दिया हुआ है। दोस्तों इस पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे ना तो देखेंगे हमारे पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए इक्वेशन के। देखिए दोस्तों आपको जो चाहिए वो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और देखेंगे आपको जितने भी इक्वेशन के, जितने भी मैथ से रिलेटेड टूल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो आपको लेना है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं वो आपको दोस्तों हम यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर इक्वेशन के से बताएंगे। दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे इक्वेशन पे क्लिक करेंगे और हम अपना एक नया टूल से लेकर और यहाँ से हम आपको क्वेश्चन लिखना बताएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे डिलीट करते हैं और यहाँ से डिलीट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व दिस क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सॉल्व दिस क्वेश्चन लिख लिए और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पे इसका मार्क्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 करेंगे और इसे क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा इसे क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे इसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे। देखिए दोस्तों और यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा इसे स्पेस दे देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व दिस क्वेश्चन लिख चुके हैं। उसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद से जाएंगे दोस्तों यहाँ इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद से दोस्तों हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ से हम लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन लिखने का ऑप्शन आ जाएगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे देखेंगे डिजाइन ऑप्शन हमारा ओपन हो चुका है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो डिजाइन हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद से सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, और इस ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक नॉर्मल ब्रैकेट ले लेंगे। उसके बाद से दोस्तों देखेंगे आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच वाले जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे फैक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये ले लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 1 देंगे और यहाँ पे 5 देंगे। और उसके बाद से दोस्तों हमें यहाँ पे टिक क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई का देखेंगे, यहाँ पे सारे चिन्ह यहाँ पे दिए हुए हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। उसके बाद से फिर से जाएंगे ब्रैकेट में और यहाँ से नॉर्मल ब्रैकेट लेंगे और फिर यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रैक्शन ले लेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन देना है, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक इक्वल का चिन्ह देंगे, यहाँ पर इक्वल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 5 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से दोस्तों ऐसे स्पेस देंगे, ऐसे स्पेस देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर हम यहाँ पे जाएंगे ब्रैकेट में और यहाँ से फिर एक हम ब्रैकेट लेंगे और फिर बीच वाले में क्लिक करेंगे और यहाँ से फैक्शन फिर ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं और फिर बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लस का ऑप्शन देंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लस देंगे और उसके बाद से फिर ब्रैकेट में जाएंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट लेंगे और बीच वाले पर क्लिक करेंगे और फिर से फैक्शन में जाएंगे और फिर से यहाँ पर वही हम प्रक्रिया करेंगे और यहाँ पे जो भी लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इक्वल का ऑप्शन देंगे और यहाँ से हम एड कर देंगे और देखेंगे दोस्तों हमारा इतना काम हो चुका है। फिर हम यहाँ से अगर दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो सिंपल हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और जाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट में और इस बार हम इस टाइप का ब्रैकेट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ये ऐसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रूट रेडिकल में जाएंगे और यहाँ से रूट लेंगे और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से दोस्तों हमें किस टाइप का रूट चाहिए तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ये वाले ऑप्शन को ले लेते हैं, नहीं तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम इसको ले लेंगे और क्या करते हैं इसमें हम लिख लेते हैं ये और दोस्तों हम लिख लेते हैं यहाँ 4 और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई का ऑप्शन देंगे और फिर से हम जाएंगे ब्रैकेट में और फिर से हम ये वाले ब्रैकेट को लेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से यू ले लेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे 5 और यहाँ पे दे देंगे 3। तो दोस्तों देखेंगे हम जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसको, ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम भी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे और दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट में चला गया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आएंगे और ऐसे एंटर प्रेस करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और जाएंगे इक्वेशन पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमारा ऐसा ऑप्शन आएगा उसके बाद से फिर होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम लेफ्ट कर लेंगे और उसके बाद से दोस्तों जाएंगे यहाँ पे डिजाइन टैब में और यहाँ से हम एक क्वेश्चन लिखना चालू कर लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से इसको ले लेंगे और इसमें कर देते हैं दोस्तों 30 और इसमें कर देते हैं 5। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम इक्वल का ऑप्शन देंगे, नहीं तो हम मल्टीप्लाई का ऑप्शन देंगे और यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 5 और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट में जाएंगे और ब्रैकेट का ऑप्शन लेंगे और उसके बाद से दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे बीच वाले में और यहाँ से ये ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और यहाँ पर लिख लेते हैं 3। देखिए दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और इस पर 3 लिखेंगे और यहाँ पे बाहर आएंगे और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रूट का ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे जाएंगे रूट में और यहाँ से क्या करते हैं ये वाले ऑप्शन को लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 5 और 3 प्लस 4 5
और यहाँ पे दे देंगे दोस्तों इक्वल, और यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल हटा कर यहाँ पे प्लस दे देंगे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 8 दे देते हैं। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इक्वल का ऑप्शन देंगे और यहाँ से 6 कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ से स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद उसके बाद से दोस्तों जाएंगे यहाँ पे ब्रेकेट में, और ब्रेकेट में जाने के बाद ये वाला ब्रेकेट लेंगे और इसमें क्या करेंगे ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्या करते हैं यहाँ से साइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से साइन थीटा लेंगे और यहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देते हैं 20 कर देते हैं। और उसके बाद से दोस्तों क्या करते हैं बाहर आएंगे और यहाँ पे इक्वल मल्टीप्लाई का ऑप्शन देंगे, और वहाँ फिर से हम यहाँ पे साइन पे जाएंगे और यहाँ से कॉस्ट ले लेंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे। और उसके बाद से दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। देखिए उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे इसे कॉपी करेंगे और नीचे में ले आकर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं इसे हम 2 कर देते हैं, और इस क्वेश्चन का मार्क्स हम यहाँ पे इसे हटाकर इसे 10 कर देते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन हम 3 कर देंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं इसे हम 20 कर देते हैं। देखिए दोस्तों उसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, और जाएंगे फिर से इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, और होम पेज में जाने के बाद यहाँ से हम लेफ्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों जाएंगे डिजाइन में, और यहाँ से चलिए एक क्वेश्चन को और हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो सिंपल हम जाएंगे ब्रैकेट में और इस नॉर्मल ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे और बीच वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से फ्रैक्शन में जाएंगे और यहाँ से इस ऑप्शन को ले लेंगे, और यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3, और उसके बाद से यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों रूट, रूट का यहाँ से ऑप्शन लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 2 कर देंगे, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3, और यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे 8, फिर प्लस, और यहाँ पे 6 करेंगे, और यहाँ से क्या कर देते हैं ऐसे जाएंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से क्या करते हैं यहाँ से इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 5, और इसको यहाँ से कर देते हैं 0, और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ से स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद जाएंगे यहाँ पे और इसको लेंगे, और इसको लेने के बाद यहाँ पे कर देते हैं 3, और यहाँ पे कर देते हैं 5। देखिए दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं 5, यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 5। देखिए दोस्तों, और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद से हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम बाहर में क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा कुछ ऐसा बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे एक इंसर्ट में, और यहाँ से फिर से हम इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे हमारा फिर से वो ऑप्शन आ जाएगा। अगर चाहते इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना तो सिंपल आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सक, जब बाहर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे हम बनाते हैं मैथ के क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपके लिए हम ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।